तो सील टू के बाद प्राइम शॉर्ट्स पे सील थ्री का फर्स्ट एपिसोड जो है वो रिलीज़ हो चुका है। सील टू की तरह इस सीरीज़ में भी कास्ट हैं आयशा कपूर। सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने रूममेट के पास जाता है पानी लेकर, और फिर अपने रूममेट कम दोस्त से कहता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको यहाँ इस घर में वो उसे लाना चाहता है। लेकिन जो उसका फ्रेंड है वो उसको बोलता है कि नीचे ही उसके जो है वो मकान मालिक रहते हैं और वो उसे एक होटल बुक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो लड़का फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड को मिलता है और उसे होटल के रूम में लेकर जाता है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो कहती है कि वो कहीं और भी मिल सकते थे, लेकिन वो उसे इस होटल में क्यों लेकर आया है। तो लड़का कहता है कि वो यहाँ आज कुछ और करने के लिए उसे यहाँ लेकर आया है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अनजान बनने लगती है, और जब लड़का कहता है कि वो अब ज़्यादा ड्रामे ना करे और बताता है कि उसने ये रूम 4 घंटे के लिए रेंट पे बुक किया है और अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने के लिए उसने ये सब किया है, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो गुस्सा हो जाती है और जाने की बात करती है। तो यहाँ लड़का कहता है कि वो बस उसे खोल कर दिखा दे, वो कुछ नहीं करेगा। जिस पे लड़की कहती है कि उसके पुराने वाले जो बॉयफ्रेंड है उसने भी यही कहकर उसकी ले ली थी, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को ये लड़का अपने रूममेट के पास बैठा होता है और तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो उसे जहाँ बोलेगा वो वहाँ पे आ जाएगी और जैसा कहेगा वो वैसे ही करेगी। जिस पे लड़का अपने रूममेट दोस्त के पास वापस आता है और उससे कहता है कि वो जिस शॉप पे काम करता है वहाँ उसे सिर्फ 1 घंटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने दे। पहले उसका जो दोस्त है वो उसे मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो शॉप पे जाती है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दुकान के अंदर भेजकर उसका दोस्त बाहर से शटर को बंद कर देता है। और वहीं हम दो चोरों को देखते हैं जो कि इसी शॉप को लूटने के लिए वहाँ पे आते हैं, और दुकान के अंदर पहले ये GF और BF एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट होने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी अचानक से शटर ऊपर उठने की आवाज़ आती है और गर्लफ्रेंड साइड में जाकर छुप जाती है, और जो लड़का है वो इन दोनों चोरों को देखता है और कहता है कि वो पहले अपनी चोरी कर ले, बाकी वो बाद में कर लेंगे। और सीरीज़ का एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सील 2 की तरह सील 3 भी इंटरेस्टिंग है। एज ए आयशा कपूर फैन आपको ये सीरीज़ जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए, और आपको हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए और रिव्यू के लिए।